पता है, लेकिन कोई बात नहीं सर, सभी एक ही है। कोई ना कोई तो जरूर आएगा, हो सकता है कि मैं भी आऊँ, देखते हैं कब पॉसिबल बनता है। और अगर आपने दिमाग में रखा है तो अभी आपके जुबान पे आया है, आप लिख लेंगे तो शायद आना भी हो जाएगा। नहीं सर, सर श्योर लिखूंगी। और जो अभी आपने आईसीएल टीम में जुड़ने जुड़ने के लिए बात की सर, मैंने फॉर्म भी भरा था, शायद मेरे पास वाईफाई नहीं है तो अभी तक किसी ने मेरा कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन इस महीने मैंने अपनी विश लिस्ट में वाईफाई भी लिख दिया है। आप कौन से आईसीएल में जुड़ना चाहते हैं? सर मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कितना टाइम और किस काम के लिए कब जुड़ना रहता है, तो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कौन आपका कांटेक्ट कर पाता है, राइट? हाँ सर। और कल ही मेरी उर्मिला बेन से भी बात हुई थी तो हम दोनों बोलते थे कि जिनको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको कई को हम लोग फोन पे हम भी समझाते हैं, तो अगर ऐसा भी कोई काम है तो कर सकती हूँ, तो उसके लिए शायद वाईफाई की जरूरत ना पड़े, लेकिन विश लिस्ट में है तो सर वो जल्दी आ जाएगा, ये मुझे विश्वास है। अब एक काम करिए, हर्ष अंजू जी का नंबर दे देते हैं जो मैजिक आईसीएल में हिंदी में हेड है, उनसे आपको, नहीं एक काम करते हैं, अंशु जी का नंबर मत दीजिए, मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन वो नंबर देने के लिए मुझे परमिशन लेनी होगी। एक काम करते हैं, गति जी आपको कांटेक्ट आएगा, आप वेट करिए, हमारी ऑफिस से स्वीटी रावल करके एक लड़की है, उसका या किसी और का आपको फोन आएगा आईसीएल के बारे में बताने के लिए, या कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा, राइट? सो लेट मी मेक इट पॉसिबल। थैंक यू गति जी। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने ये इंस्पिरेशन लिया, आपने खुद ने ये तय किया। हाँ सर, और एक बात बोल सकती हूँ? यस प्लीज सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने सेशन में बताया कि भाई किसी को समझाया जिनको कंप्लेन करना था, yes. कि भाई आपके मन के अंदर का भाव क्या है, वो तो पहले से सुनते भी और मजा मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने बोला ना कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि मैंने ये बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी का डिक्लेरेशन किया, तो सर शायद किसी के मन में आ सकता है कि पैसों के लिए, लेकिन मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ, आप तो जो बताते हैं वो सही है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं करते हैं, भले ही पेड हो कोई भी सेशन, और उसके सामने आप कितने सारे फ्री सेशन लेके आते हो, जो मतलब किसी भी तरह से किसी भी चीज में कम नहीं है, वो फ्री भी है तब भी, उससे भी, क्योंकि मैंने फ्री कोई सेशन छोड़ा नहीं है सर, तो मुझे पता है कि मुझे कितना मिलता है उसमें से। थैंक यू। तो सही में अगर कोई सोचता भी है ना, तो उनको जरा खुल के सोचना चाहिए कि भले ही आप डिक्लेयर करो, आप फीस भी डिक्लेयर करते हो, रखते हो चार्ज, लेकिन वो हमारा मतलब फोकस उस पे होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू गति जी, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और हम सबका एक ही मकसद है कि हम लोगों की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें। वो तो सर हम इतने महीनों से देख ही रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। थैंक यू। जैसे हम भी बहुत कुछ बैकएक में लेके चल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्टूडियो सेटअप करना, टीचेबल करके जो ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा देना, सो बहुत कुछ बैकएक में हमारा भी चलता है, हम एक कंपनी रन कर रहे हैं। सही बात है सर। होता है, हम तो जिसको जो लेना है वो ले लेता है, हम वो ले जो हमारे काम का है, और आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, कोई भी सेशन मिस नहीं करते हैं, कंटिन्यूस लर्न करते हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो कि आप शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग इज इक्वल टू लाइफ। जब मैं आपका इंटरेस्ट देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। और वो आशा रखते हैं कि हो सके तो मेरा ही राजकोटा ना हो। आइए सर, वेलकम। मैं हमारे सीईओ क्या तय करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। कोई बात नहीं। थैंक यू गति जी, थैंक यू वेरी मच। यस यस सर, मैं हीना मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू हर्ष भैया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे